गर्मी के मौसम में पंजाब के लोग सरदाई बहुत शौक से पीते हैं। पुराने वक्तों में पहलवानों का पसंदीदा मशरूब सरदाई हुआ करता था। अक्सर लोग घरों में बना लेते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इन देसी मशरूबात की जगह एनर्जी ड्रिंक्स ने ले ली। ऐसी बादाम, खसखस, चीनी, काली मिर्च, लाची चारे मगा दिन पहनू शायद तैयार कर स्पेशल तैयार होंगी है। सारी सरदाई कोई मिलावट शिलावट नहीं होंगी। असा इतना सरदाई लावन आमदू हर साल इतने थड़ी होंगी है भाई दूर दूर तो पीवन आमदन इतने सारे कने। बाज इलाकों में आज भी रवायात बरकरार हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही सरदाई बेचने वाले सड़क के किनारे एक खास किस्म का ढाबा बनाते हैं और इसको रंग बिरंगी झंडियों और पाकिस्तानी परचम से सजाते हैं। मुसाफिर हजरात आते जाते अपनी प्यास बुझाने के लिए रुकते हैं और सरदाई से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। भाई जी गर्मी बड़ी आ, जो गर्मी लगती दिल घबरा इतना सरदाई पी दी दिल में सुकून आ जाता वा। गुजर ऐसा तो सरदाई पीती है, सरदाई बड़ी वीआईपी अच्छी है और मैदे वास्ते दिमाग वास्ते बिल्कुल टाइट। पीने में मजा आया जिगर वास्ते और मैदे वास्ते बड़ी अच्छी इंशाल्लाह, बड़ा मजा आया पीने वास्ते। सरदाई में बादाम, खसखस, छोटी इलायची, चारों मगज और हसबे जरूरत चीनी इस्तेमाल की जाती है। पहले इसको मिट्टी के बर्तन में डालकर एक खास लकड़ी के डंडे से आहिस्ता आहिस्ता रगड़ते हैं और इसके बाद मलमल के कपड़े से छानकर बर्फ डालकर पेश की जाती है। लेकिन अब इसकी जगह जदीद मशीन इस्तेमाल की जाती है। सरदाई जिगर, मैदा और असाबी कमजोरी से हिफाजत भी करती है।